हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। मेरे पास है रियलमी का लेटेस्ट वायर रियलमी नार्जो 20A। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आप अपने फ़ोन के अंदर डुअल ऐप कैसे बनाएं या क्लोन ऐप कैसे बना सकते हैं। कई बार आपको जरूरत पड़ती है एक एप्लीकेशन से दो एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो आप कैसे बनाएं और कैसे बना के आप यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको यही बताने वाले हैं कि आप डुअल ऐप कैसे बनाएं। तो वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं, वीडियो अंत तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको अगले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो आपको डुअल ऐप बनाने के लिए चलना होता है सेटिंग में, तो यहाँ से हम आ जाएंगे सेटिंग में। जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ आपको सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐप क्लोनर, तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, ये तीन एप्लीकेशन मिल जाते हैं जिन्हें आपको डुअल एप्लीकेशन बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बना सकते हैं, और भी एप्लीकेशन के आप बना सकते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐप डेट कैन बी क्लोन, यहाँ से आप क्लिक करके और भी एप्लीकेशन मिल जाते हैं आप जिनको एप्लीकेशन के यूज कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। तो फाइनली मैं आपको इन्हीं के बता देता हूँ। सिंपली इस पर क्लिक करें और क्लोन ऐप ये हमारा बन के तैयार हो गया है। एक मैं आपको बता देता हूँ व्हाट्सअप का, सिंपली हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार से मैंने ये दो एप्लीकेशन ले लिए इनके क्लोन ऐप बनाने के लिए। तो सिंपली हमारे क्लोन ऐप बनकर तैयार हो गए। अब मैं आपके लिए चेक कर देता हूँ। यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे अमेजन के दो एप्लीकेशन बनकर तैयार हो गए। आप इनसे अलग अलग ईमेल आईडी से या अलग अलग नंबर से आप इन्हें वेरीफाई करके चला सकते हैं। एक हमने लिया था व्हाट्सअप, अब मैं व्हाट्सअप भी आपको चेक करा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं हमारे दो व्हाट्सअप बनकर तैयार हो गए। इस व्हाट्सअप को देख सकते हैं तो हमारे इसी पे पहले से एक नंबर डाला हुआ है जो हमारा वेरिफिकेशन होता है और चल रहा है। उसके बाद इस पर आप अपना कोई भी एक नया नंबर डाल के इसे एडिट यूज कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। कोई भी एक अदर नंबर से एक फ़ोन में आप दो एप्लीकेशन चला सकते हैं अदर अदर नंबर से। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर डुअल ऐप या क्लोन ऐप बना सकते हैं। अब बात आती है हमने जो क्लोन ऐप बनाए इन्हें कभी जरूरत पड़ती है हमें डिलीट करने के लिए, तो आप डिलीट कैसे करें। तो उसके लिए हमें चलना होता है सेटिंग में। तो सिंपली हम यहाँ से आ जाएंगे सेटिंग में। जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐप क्लोनर, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली हम इस पर क्लिक करें, इसे ऑफ कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा डिलीट। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे एप्लीकेशन हो गए डिलीट। अब मैं आपको चेक करा देता हूँ, हमारे डिस्प्ले पे कहीं भी नहीं है। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर एक क्लोन ऐप बना भी सकते हैं और इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको अगले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।